मैं हूं दिलजीत कौर। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में मेट्रो मैन के दौरे से मेट्रो परियोजना को लगा पंख। भारत सरकार के मेट्रो परियोजना निर्देशक और केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त ई श्रीधरन ने दोनों रूटों के महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का लिया जायजा। कांग्रेस के जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। जल्द ही दौड़ेगी महानगर में मेट्रो। तेजी से चल रहा है मेट्रो निर्माण का कार्य। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की मंडल में गेहूं खरीद की समीक्षा। दिया आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा के निर्विरोध चुने गए जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध कमेटी के सभापति भाजपा के महंत सिंह, उप सभापति गौरी द्विवेदी और अन्य समिति के सदस्य। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस। मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक 100 रुपए प्रति माह मिलेगा वजीफा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। कुलपति को सौंपा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने गोरखपुर स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण। दिया निर्देश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित हुआ विविध प्रतियोगिता। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर विविध प्राइवेट ITI कॉलेजों के छात्रों ने DM को प्रेषित किया ज्ञापन। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय न होने पर कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर आई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से दर्ज कराई शिकायत। और क्रिकेटर ने GCA पर लगाए मेडिकल टेस्ट में वसूली का आरोप। GCA के संयुक्त सचिव ने आरोपियों को किया खारिज। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में मेट्रो परियोजना का कार्य जोरों पर चल रहा है। यह पूर्वांचल का पहला मेट्रो परियोजना है जिसको लेकर प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा कड़ी मशक्कत की जा रही है। महानगर में मेट्रो की तैयारियों को लेकर भारत सरकार के मेट्रो परियोजना निदेशक व केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त ई श्रीधरन सहित कई अन्य अधिकारियों ने बुधवार को सूबा बाजार, देवरिया बाईपास रोड, मोहद्दीपुर, बरगदवा, गोरखनाथ सहित कई अन्य क्षेत्र में जाकर वहां की सड़कों और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेट्रो मैन कहे जाने वाले इंजीनियर श्रीधरन ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक पूछताछ कर आवश्यक जानकारी एकत्रित की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए भारत सरकार मेट्रो परियोजना के निदेशक इंजीनियर श्रीधरन ने कहा कि एक माह में गोरखपुर मेट्रो परियोजना भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा, मोड़ लो। नहीं नहीं वो तो यहाँ डिपो की लैंड देख रहे हैं। पूरा बाबू अभी हम भी नहीं यहाँ गाड़ी बगल में गली है। As part of the depot, I have planned receiving substitutes. Yes.
डीपीआर सर अभी फाइंड आउट इधर ही आ जाओ And no, road is all weather. I think the rainwater is, even in the summer, there is water here, sir. Hello? But even building plinths are at a very low level. Mm. This area must not be flooded. This city does not have any underground drainage system, either. No, sir. No. But what supply system is there? Water supply system. अरे नहीं भाई, अरे अरे छोड़ो, तुम खड़ंजा नहीं, तुम मेन रोड पे रहो। मुझे ये बताओ, जो तुम्हारी एलडीए की जीडीए की जमीन जो हम लोग दे रहे हो डिपो के लिए, इसमें पानी तो नहीं भरता, फ्लडेड तो नहीं होती? नॉट टू द बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ वाटर सप्लाई के लिए वाटर सप्लाई जो शहर में है उसमें वाटर सप्लाई के लिए लाइन्स हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर यूटिलाइज करते हो? नहीं, पर जलकल तो है ना यहाँ पर, तो जलकल कैसे वाटर सप्लाई करता है? नहीं, पर वाटर सप्लाई क्या अंडरग्राउंड उससे लेते हैं कि कहीं वाटरवर्क्स बना रखा है? रेलवे ट्रैक्स एंड दिस इज द आरओबी ओवर दिस, दिस इज द लाइन, वन इज कमिंग लाइक दिस सर, एंड सेकंड लाइन इज कमिंग फ्रॉम क्रॉसिंग दिस स्टेशन इज अबव वन स्टेशन, द अप्रोच कर्व्स आर सर लिटिल शार्प 120 एंड दिस साइड आल्सो, सो दिस होल स्टेशन बिल्डिंग वी आर इन वन बिल्डिंग, बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द टू हियर, वी कैन नॉट हैव द स्टेशन Delhi Metro we tried and we never used it. But at least connection is there. Connection is there. Lucknow we tried. Mahendra Kumar, ultimately we decided to abandon it. Some problem with the railway. Here we can expose both railway as well as that. So I would like to find out that is that the passenger movement is essentially this direction, is it? Yes, sir. This is the main road. The passenger movement. What is the average lead coming? Average lead? 6, 7, 7. 7.1 or between 6 and 7. That's all. Even on this, we have done an independent study of this. Yes, sir. Yes, sir. Independent. So, on this alone, what will be the ridership coming? जो सर पूछ रहे हैं वो नहीं, वन कॉरिडोर कम्स डू दैट, मॉडल इज विद अस, वी चेंज द नेटवर्क कैन डू इट फॉर स्टैंड अलोन, फॉर स्टैंड अलोन वन कॉरिडोर, स्टैंड अलोन वी हैव नॉट डन, 11,000 एंड सेकंड कॉरिडोर इज लेस, सेकंड कॉरिडोर सर टू बी 41 में 8,000, सेकंड कॉरिडोर इज लेस, 8,000 इज लेस, 24 नहीं जाना है, छूट मतलब
You are a competent authority, therefore I want to talk with you. This is only a preliminary visit. We already completed the survey. Sir, I requested to you speaking in Hindi. Sir, आज आप गोरखपुर में हैं. ये पहले सर फर्स्ट टाइम इंस्पेक्ट कर रहा हूँ. ये बहुत दो लाइन का इन्वेस्टिगेशन स्टडीज ऑल कंप्लीट हो गया. अभी कब स्टार्ट करना, कैसा करना, किधर से पॉइंट समारंभ करना, ये सोचना है. फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के बारे में, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर सोर्सेस, हाउ मच मनी विल बी नीडेड, ऑल दिस यू हैव टू फाइनलाइज. रिपोर्ट विल बी रेडी इन अनदर 3 to 4 weeks टाइम, फाइनल रिपोर्ट टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट. फाइनेंस करूँगा, करेंगे. सर कितने किलोमीटर में ये पूरा आपका मेट्रो? एक लाइन 18 किलोमीटर है, सेकेंड वन 12 किलोमीटर, हाँ दूसरा 12 किलोमीटर. तो कब से सर ये लक्ष्य रखा गया? आज नाइट, टुमारो मॉर्निंग विल फाइट. टुमारो यू विल डू प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं नहीं, विल टेक फाइनल डिसीजन. ओके, बिकॉज ऑल द एक्सपर्ट्स आर हियर, वी कैन सिट टुगेदर, विल टेक अ फाइनल डिसीजन. ये रोड्स बड़ा वाइड है, वाइड है, लैंड एक्विजिशन एकदम छोटा है. तो सर ये मान के चला जाए कि एक महीने में आप फाइनल कर देंगे इस प्रोजेक्ट को? हाँ. थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक. बुधवार को गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राज बब्बर ने 29 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत किया. लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव पर संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई. गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और सांसद कांग्रेस पार्टी राज बब्बर ने कहा, और क्या कहेंगे सर? देखिए, कुछ पार्टी के कुछ साथियों से एक तो वैसे ही मेल मिलाप हो गया बहुत दिनों के बाद आए, और दूसरा एक हमारे ही नेता के परिवार में एक शादी है, उस कार्य में जा रहे हैं देवरिया, और इसी बहाने जब आए हैं तो सभी साथियों से बातचीत होगी. जैसे यहाँ की 29 तारीख की जो एक रैली है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी. सर 2019 का चुनाव को देखते हुए सर तैयारी भी शुरू की होगी? देखिए, तैयारी तो प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे लिए जो इमीडिएट जो सामने है वो 29 तारीख की जन आक्रोश रैली है, और उस रैली के संबंध में बहुत सारे, क्योंकि गोरखपुर सबसे दूर पड़ता है, ये क्षेत्र सबसे दूर पड़ता है, तो इसलिए यहाँ के उत्साही साथियों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से सब लोग पहुँचेंगे, कैसे जाएंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे. शहर में मेट्रो के निर्माण को लेकर स्थिति धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है. बुधवार को जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल के नेतृत्व में विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ मेट्रो के प्रस्तावित कॉरिडोर पर चर्चा हुई. गोरखपुर मेट्रो का DPR राइट्स द्वारा तैयार किया जा रहा है. मेट्रो कितने किलोमीटर शहर में दौड़ेगी, उसमें कितने डब्बे लगेंगे, इन्हीं सभी बातों पर आज चर्चा हुई. ट्रैफिक
अनिल कुमार ने कैंप कार्यालय पर मंडल में गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए पाया कि अब तक लक्ष्य 31,558 मैट्रिक टन के सापेक्ष 90,558.74 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मंडलायुक्त ने एजेंसी वार क्रय की समीक्षा में पाया कि खाद्य विभाग द्वारा अब तक 12,302.36 मैट्रिक टन, PCF द्वारा 5,281.13 मैट्रिक टन, सहकारी समितियां 4,034 मैट्रिक टन, यूपी एग्रो द्वारा 1,602.15 मैट्रिक टन, PCU द्वारा 13,014.52 मैट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2,282.36 मैट्रिक टन, NCCF द्वारा 5,203.47 मैट्रिक टन, नेफेड द्वारा 382.45 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मंडल में 519 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने पाया कि अब तक गेहूं क्रय में 1,55,057.59 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जिससे 17,206 किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि अवशेष का भुगतान तत्काल किया जाए। उन्होंने RFC एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कहीं भी खरीद रुकने ना पाए, इसके लिए बोरे एवं धन की व्यवस्था समुचित रहे। किसानों का गेहूं हर हाल में क्रय किया जाए, इसमें किसी प्रकार की भी शिकायत ना मिलने पाए। मंडलायुक्त ने जनपदवार गेहूं क्रय की समीक्षा करते हुए पाया कि जनपद कुशीनगर में गेहूं खरीद में प्रगति में कम है। इस पर उन्होंने कुशीनगर में गेहूं खरीद पर तेजी लाने के साथ ही अधिकारियों को लगातार क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल, RFC देशराज, RMO AK सिंह, डिप्टी RMO RM पांडे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बुधवार को जिला सहकारी फेडरेशन गोरखपुर के प्रबंध कमेटी के सभापति, उपसभापति और अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभी निर्वाचन पदों पर पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार चुने गए। सभापति के निर्वाचन पद पर भाजपा के गुब्बार ध्वज सिंह उर्फ महंत सिंह, उपसभापति गौरी द्विवेदी, प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ अनंत मणि त्रिपाठी, मार्कंडे राय, प्रेमलता नरेंद्र, उदय प्रताप, बच्चा सिंह, प्रतिनिधि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर अनुपमा सिंह, विजया सिंह, कृष्ण मुरारी, मुकेश कुमार और सूर्य प्रकाश निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार चुने गए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्वाचन अधिकारी एवं CRO बलराम सिंह और सभापति महंत सिंह ने कहा, जय महान भगवान भाई।
जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड गोरखपुर के प्रबंध कमेटी के सभापति एवं उपसभापति एवं अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव था। इसमें सभापति के लिए एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुआ श्री गुलाबध्वज सिंह का और वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। उपसभापति के लिए 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, उसमें से 2 नामांकन पत्र वापस ले लिए गए और 1 नामांकन पत्र वापस बचा था श्रीमती गौरी द्विवेदी जी, वो उपसभापति निर्वाचित घोषित की गई। इसी प्रकार से जो विभिन्न जगह पे डेलीगेट्स भेजे जाते हैं उसमें प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ PCF के लिए श्री अनंतमणि त्रिपाठी जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ PACSPET के लिए श्री मार्कंडेय राय जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड लखनऊ PCU के लिए श्रीमती प्रेमलता जी निर्वाचित हुई हैं। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश प्रक्रिया एवं तिलहन विकास संघ लिमिटेड के लिए श्री नरेंद्र जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC के लिए श्री उदय प्रताप सिंह जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संघ सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ UPSS के लिए श्री बच्चा सिंह जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर के लिए 5 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। उनके नाम क्रमशः हैं श्रीमती अनुपमा सिंह, श्रीमती विजया सिंह, श्री कृष्ण मुरारी, श्री मुकेश कुमार और श्री सूर्य प्रकाश जी। ये सभी लोग निर्वाचित हुए हैं आज के निर्वाचन में। धन्यवाद। जिला सहकारी फेडरेशन गोरखपुर के आज हम निर्विरोध सभापति चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, मेरा निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। संस्था का हित कैसे होगा, संस्था का व्यवसाय कैसे बढ़ेगा, किसानों की समस्याओं को संस्था कैसे साल्व करेगी, इस सब चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया जाएगा और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टरी अधिवक्ता एसोसिएशन, दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन और कमिश्नर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बुधवार को संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय से जुलूस निकाला। यह जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय से निकलकर शास्त्री चौराहा, अम्बेडकर चौराहा होते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां अधिवक्ताओं ने एक सभा आयोजित कर अपनी मांगों को प्रशासन के बीच रखा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। जुलूस के दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बताते चले कि सभी तहसीलों के SDM अपने क्षेत्र के मुकदमों को हर सोमवार को गोरखपुर के हेडक्वार्टर में निस्तारण के लिए आते थे, लेकिन अब उन SDM को अपने ही क्षेत्र में विवादों का निस्तारण करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे काश्तकारों को नुकसान पहुंच रहा है। यही कारण है कि अधिवक्ता 6 अप्रैल से लगातार आंदोलनरत हैं। जुलूस में दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, मंत्री प्रियनंद सिंह, अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, मंत्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, दी कमिश्नरी कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश्वर शाही सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कलेक्ट्री अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा।
मुकदमे को जिला मुख्यालय पर दाखिल करते थे और यहाँ पर एसडीओ लोग आकर के मुकदमों का निस्तारण करते थे। अक्सर जो है अति विवादित मुकदमों में तहसीलों में विवाद हो जाया करता था, लिहाजा तहसीलों के बाद वहाँ के बादकारी जो है ये चाहते भी थे कि यहीं पर जो है वादों का निस्तारण किया जाए। यह परंपरा 40-45 वर्षों से चली आ रही है। अभी जो है बगल के जिले में आजमगढ़ में यह परंपरा कायम है कि वहां पर एसडीओ लोग एक सप्ताह में दो दिन आकर के वादों का निस्तारण करते हैं, लेकिन बिना किसी बादकारी के एप्लीकेशन दिए उस पर उस व्यवस्था के विपरीत, बिना किसी प्रकार का कोई बादकारी के दरखास्त दिए, बिना किसी अधिवक्ता संगठन के दरखास्त दिए इस परंपरा को समाप्त कर देना चाहते हैं। बादकारी हित में अधिवक्ताओं ने जो है इनसे मांग किया कि जो 45 साल 40 साल से परंपरा चली आ रही है उसको कृपया वो बनाए रखें, लेकिन यह अपनी हठबाधिता और बादकारियों के हितों के विरुद्ध यह कार्य करते हुए यह अपने मनमानी पूर्ण रवैये को कायम रखने पर तुले हुए हैं। अधिवक्ताओं को किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? अधिवक्ताओं को दिक्कत यह आ रही है कि वह बादकारियों के हितों के लिए वकालत करने के लिए आते हैं। वो बादकारी जिनके मुकदमे जिले मुख्यालय पर दाखिल होते हैं, जो बादकारी जिला मुख्यालय पर मकान बनाकर नौकरी करके व्यवसाय करके यहाँ पर वह रहते हैं, उनके हितों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अति विवादित मुकदमे आज जो है भू माफियाओं द्वारा अक्सर विवाद की स्थिति में जो है हाईजैक कर लिया जाता है, जो है गवाहों को तोड़ लिया जाता है, धमका दिया जाता है और वैसे बादकारी वहां से न्याय नहीं पा पाते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा जिला प्रशासन के माध्यम से, आपके माध्यम से शासन को बताना चाहूंगा कि 5 दिन वह उपजिलाधिकारी तहसील मुख्यालय बैठते हैं और 1 दिन यहाँ बैठते हैं, यहाँ के परसेंटेज ऑफ केस का निस्तारण जो है वहाँ के केसों से 2 गुना है। बादकारियों के हितों के लिए सबसे आवश्यक है मुकदमे का निस्तारण करना। जब 2 गुना मुकदमे का निस्तारण यहाँ है और बिना किसी बादकारी के जो है मांग पर यह क्यों इस जिद पर अड़े हुए हैं? निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध जो है बादकारियों के हितों के विरुद्ध शासन की नीतियों के विरुद्ध यह काम कर रहे हैं। मूल मांगे यह है कि जो 40-45 साल से जो उपजिलाधिकारी जिला मुख्यालय बैठकर सोमवार को बैठकर न्यायिक कार्य करते हैं वो व्यवस्था को जो है वैसे जारी रखा जाए। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कक्षा 8 पास छात्र छात्राओं को 9 में प्रवेश कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा 8 पास करने वाले सभी छात्र छात्राओं की सूची बीआरसी पर उपलब्ध रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों से संपर्क करके उनके पालियों का प्रवेश कक्षा 9 में करवाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2018-19 का शैक्षणिक सत्र चालू है, ये सभी विद्यालय खुले हैं, प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। शासन द्वारा अप्रैल माह से सत्र चालू किया गया है, इसलिए अभिभावकों को यह बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक 100 रुपये प्रतिमाह वजीफा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार के पालियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी स्कूल कक्षा 8 पास छात्र छात्राओं की टीसी समय से जारी कर दें। कक्षा 9 में प्रवेश के समय उसका आधार कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। कक्षा 8 से 9 में प्रवेश की समीक्षा अगले सप्ताह की जाएगी। बैठक का संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र भदौरिया ने किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण के संजय मिश्रा, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह, ABSA प्रधानाचार्य सहित कई अन्य मौजूद रहे। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में मेट्रोमैन के दौरे से मेट्रो परियोजना को लगा पंख। भारत सरकार के मेट्रो परियोजना निदेशक और केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त ई श्रीधरन ने दोनों रूटों के महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का लिया जायजा। कांग्रेस के जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। जल्द ही दौड़ेगी महानगर में मेट्रो, तेजी से चल रहा है मेट्रो निर्माण का कार्य। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की मंडल में गेहूं खरीद की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश।
भाजपा के निर्विरोध चुने गए जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध कमेटी के सभापति भाजपा के महंत सिंह, उप सभापति गौरी द्विवेदी और अन्य समिति के सदस्य। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस, मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक 100 रुपए प्रतिमाह मिलेगा वजीफा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, कुलपति को सौंपा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने गोरखपुर स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण, दिया निर्देश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित हुआ विविध प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर विविध प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों के छात्रों ने डीएम को प्रेषित किया ज्ञापन। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय न होने पर कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर आय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से दर्ज कराई शिकायत। और क्रिकेटर ने जीसीए पर लगाए मेडिकल टेस्ट में वसूली का आरोप, जीसीए के संयुक्त सचिव ने आरोपियों को किया खारिज। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब चलते हैं खबरों के अगले क्रम में। गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएससी परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के लगभग एक दर्जन छात्रों ने बुधवार को विश्वविद्यालय गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह को प्रेषित किया। छात्रों का कहना है कि आगामी 3 से 6 मई तक बीएससी की परीक्षा सुनिश्चित है, लेकिन इसी बीच वायुसेना का प्रतियोगी परीक्षा होना है, जिसके कारण बीएससी के बहुत से छात्र छात्राएं इस प्रतियोगी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। छात्रों की मांग है कि वायुसेना की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए बीएससी की परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। ज्ञापन सौंपा जाने के दौरान छात्र अनूप यादव, राजमंगल यादव, इंद्रेश शहादत अली, सत्यम सिंह सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र राजेश यादव ने कहा, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 परीक्षा तिथि बदली जाए, बदली जाए, बदली जाए, एकता जिंदाबाद। आए हैं हम लोग, दो दिन पहले ज्ञापन दिए थे कि छात्रों की परीक्षा है मई 3, 4, 5 को, बीएससी के छात्र हैं और उनकी वायुसेना की लिखित परीक्षा भी 3, 4, 5, 6 को है। हम लोग ने कुलपत सर के अनुपस्थिति में उस दिन परीक्षा नियंत्रक सर को ज्ञापन दिया था, जिसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आज हम लोग साक्ष्य के साथ आए हैं कि इन छात्रों का पेपर है और ये 3, 4, 5, 6 को पेपर है छात्रों का, और वो छात्र वायुसेना को, सभी को पता है कि उम्र की बाउंडेशन 19 से 20 साल तक होती है, अगर इस साल वो वंचित रह जाएंगे तो वो छात्र दोबारा वायुसेना की परीक्षाएं दे नहीं पाएंगे और बीए की परीक्षा का छोड़ देंगे तो उनका एक साल बर्बाद चल जाएगा। तो विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त समय है, तो हम चाहते हैं कि कुलपत महोदय छात्रों के भविष्य को देखते हुए, ये बड़ा मामला है, बहुत से छात्र हैं जो वायुसेना की परीक्षा दे रहे हैं और 4 दिन परीक्षाएँ होनी है, तो उन तिथि को जितनी परीक्षाएँ हैं उसको बदला जाए और एक उचित नया डेट लाया जाए जिससे छात्रों का हित हो सके, उनका नुकसान ना हो सके। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने गोरखपुर स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों के अंतर्गत निर्माण कार्य, स्टेशन के सौंदर्यीकरण, निर्माणाधीन हैंगिंग फूड प्लाजा और सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर प्रमुख मुख्य इंजीनियर पीडी शर्मा, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक शिवराज सिंह, प्रमुख संचार इंजीनियर मोहम्मद फरीद, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर आदर्श खरे, मंडल रेल प्रबंधक विजय लक्ष्मी कौशिक सहित मुख्यालय एवं मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर बन रहे हैगिंग फूड प्लाजा के निर्माण कार्य का जायजा लिया तथा इसे समय से पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, पैदल उपरिगामी पुल, जन सुविधा केंद्र, पे एंड यूज शौचालय, बुकिंग हॉल, विश्रामालय, एसी लाउंज, अमानती सामान घर का भी गहन निरीक्षण किया। राजीव अग्रवाल ने यात्री सुविधाओं को बेहतर रख रखाव का भी निर्देश दिया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र गोरखपुर द्वारा विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को एमजी इंटर कॉलेज में किया गया। प्रतियोगिता में एडी इंटर कॉलेज, जुबली इंटर कॉलेज, एमएसआई इंटर कॉलेज, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजों के बच्चों ने प्रतिभाग कर अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा, खगोलविद अमरपाल सिंह यादव, अमित कुमार श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुरेश शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी, वीर बहादुर सिंह नक्षशाला गोरखपुर से, आज एमजी इंटर कॉलेज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों से छात्र एवं छात्राएं 3 प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। पहली प्रतियोगिता मॉडल प्रतियोगिता, दूसरी पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और तीसरी वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इन प्रतियोगिताओं में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त किए हैं विद्यार्थी, उनको प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, उसी की याद में हम ये आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो मुख्य विषय दिया गया है वो देश के विकास में विज्ञान के विभिन्न पहलू, जो मेन मुख्य विषय है, उस विषय पर आज सभी विद्यार्थी जो डिबेट में भाग ले रहे हैं, इस विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं और पोस्टर प्रतियोगिता में विभिन्न वैज्ञानिकों के, भारतीय वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के चित्र और उनके जीवन परिचय को अपने पोस्टर पर उन्होंने तैयार किया उतारा। स्कॉलरशिप के भुगतान की मांग को लेकर महानगर के आरएन यादव, प्राइवेट आईटीआई शीतला देवी आईटीआई सहित कई अन्य आईटीआई कॉलेजों के लगभग 3 दर्जन छात्रों ने बुधवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी को प्रेषित किया।
छात्रों का कहना है कि उनका छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर अजय निषाद, सिद्धार्थ गुप्ता, दुर्गेश कुमार, संतोष कुमार, टिंकू सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र भुवाल ने कहा, हम देवता मिश्र से प्राइवेट ITI से आए हैं, स्कॉलरशिप हम लोग का नहीं मिला है और हम चाह रहे हैं कि हम सभी OBC का स्कॉलरशिप आ जाए। इन लोगों ने केवल SC और जनरल का स्कॉलरशिप भेजा है और OBC का नहीं भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि फंड नहीं आया है। कॉलेज का क्या कहना है आपके इस पर? कॉलेज इस पर कोई रिएक्शन नहीं ले रहा है। तो आज आप लोग DM को ज्ञापन सौंपने आए हैं? जी, विकास भवन पे भी गए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अभी कोई इच्छी नहीं है, कि उनके पास फंड नहीं आया है, जब आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होता। वो लोग कह रहे हैं कि फिलहाल समझिए कि नहीं आएगा। बुधवार को गोरखपुर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से कांग्रेसियों ने मुलाकात कर महानगर में पार्टी कार्यालय न होने की शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि वह पार्टी कार्यालय के लिए अपनी पूरी सहयोग देने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ताओं से 1 स्क्वायर फीट की राशि जिला अध्यक्ष के पास जमा करने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष के इस निर्णय पर पार्टी कार्यकर्ताओं में आम सहमति दिखी। ऑफिस की तलाश कर रहे हैं हम लोग, जो सबसे कहा कि 1 स्क्वायर फीट का पैसा दे। वेरी गुड आइडिया। 1 स्क्वायर फीट का लोग पैसा दे तो कम से कम 1,000 लोग मिल जाए। 1,000 1 स्क्वायर फीट का सब लोग दे दें, 1,000 लोग तैयार हो जाए। वेरी गुड आइडिया। ये तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कोई स्वेच्छा देना चाहे तो 4 स्क्वायर दिए तो परमानेंट हो जाएगा। 4,000 से 5,000। बुधवार को गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में आ गया है। बीते दिनों सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज क्रिकेट मैदान पर चल रहे अंडर 16 के क्रिकेट ट्रायल के दौरान संत कबीर नगर के क्रिकेटर प्रशांत पांडे ने GCA के सचिव और संयुक्त सचिव शफीक सिद्दीकी पर मेडिकल टेस्ट के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के संयोजक राणा सुनील सिंह ने GCA पर विभिन्न तरह के आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के संयोजक राणा सुनील और क्रिकेटर प्रशांत पांडे ने कहा, जो है अंडर 16 का जो मेडिकल हुआ उसमें 700 रुपये लिया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल केवल 500 रुपये लेता है। किसी भी खिलाड़ी को इन्होंने रसीद नहीं दी है और मेडिकल रिपोर्ट मांगने पर किसी को नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में जो लड़का पास है अंडर 15 दिखा शो कर रहा होप हॉस्पिटल ही, ये उसको अंडर 16 से ओवर एज कर रहे हैं। आखिर किस बात पर, आखिर मेडिकल कराया किस लिए गया है? मेडिकल से ही शुरुआत हो चुकी है इनके। अब किसी खिलाड़ी को कोई मेडिकल रिपोर्ट न GL तिवारी दे रहे हैं, न शफीक सिद्दीकी दे रहे हैं। बदतमीजी की पराकाष्ठा है। हमारे साथ प्रशांत पांडे भी बैठा हुआ लड़का। ये दोनों लोग कौन है? ये प्रशांत पांडे जो है, ये अभी इस बार उसका हुआ है, इनको मेडिकल में होप में बुलाया था और ये हमारे रिपोर्ट में जो मैंने करवाया उनसे होप से ही वो 15 साल दिखा रहा है, ये 16 साल से बड़े दिखा रहे हैं। आखिर किस बेस पे, और मेडिकल रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं। कौन है ये लोग? ये GL तिवारी जो गोरखपुर क्रिकेट संघ के सचिव हैं और शफीक सिद्दीकी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने सिलेक्शन जो किया है डिस्ट्रिक्ट की टीम अभी तक नहीं पता। अंडर 19 का मैच चल रहा है लेकिन किसी को नहीं पता है, केवल फोन से इन्होंने बुला लिया और किसको खिला दिया किसको नहीं, इससे कोई लेना देना इनका नहीं। ये अपना अपना काम करे चले जा रहे हैं। अंडर 16 का भी हुआ, किसी प्रेस को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या मापदंड है, कुछ नहीं मालूम हुआ। कौन से सेलेक्टर कब गए, क्या कहे, कौन सा सेलेक्टर है, आप पडरौना में कौन से गए और बस्ती में कौन गए, आप संत कबीर नगर में कौन सा सेलेक्शन लिए, सिद्धार्थ नगर में कौन लिए, गोरखपुर में परवेज हसन ले रहे थे जो आतिफ अकेडमी के कोच हैं, और कोई भी कोच सेलेक्टर नहीं बन सकता, ये UPCA की गाइडलाइन है। सभी जगह केवल कोच गए हैं और उन्होंने सेलेक्ट किया अपने मन माफिक, शफीक सिद्दीकी ने सेलेक्ट किया, प्लेयरों के साथ नाइंसाफी किया, तमाम
खिलाड़ी जो है अच्छे हैं उनको काटा गया है। जो यूपीसीए का धंधा है सेम गोरखपुर ने अपना धंधा यहाँ पर भी चालू कर रखा है। आज मेडिकल रिपोर्ट वो भी नहीं देते हैं, मेडिकल रिपोर्ट ये भी नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जितने अंडर 16 के खिलाड़ी जिनका मेडिकल हुआ है उनको पहले तो 700 की रसीद देंगे और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट दें, उससे बहुत कुछ पता लग जाएगा कि क्या है इनके हाथ में और इनका फ्रॉड जो है, इनका जो भ्रष्टाचार वो सबके सामने आ जाएगा। रिपोर्ट है मेडिकल, ये होप हॉस्पिटल की मैंने रसीद लगा दी है 500 की, ये 700 रुपये लिए हैं, ये बालक बताएगा 700 रुपये इससे लिया गया है और ये इस रिपोर्ट में बता रहा है कि 15 साल का लड़का है और ये कह रहे हैं 16 साल से बड़ा है। मेरा नाम प्रशांत पांडे है। ब्रिटिश काम करते हो? संत कबीर नगर में रामलाल यादव हमारे कोच। क्या मामला? जी हम लोगों का अंडर 16 का ट्रायल हुआ, उसके बाद कॉल गया कि मेडिकल जांच कर आप लोग गोरखपुर आए सेंट एंड्रयूज, तो हम सेंट एंड्रयूज गए सिद्दीकी सर के पास, तो वहाँ 700 रुपए लिए हम लोगों से और रसीद भी नहीं दिए। मेडिकल जांच हुआ और मेडिकल जांच पे भी वो हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं मिली हम लोगों को और रिपोर्ट मांगने पे हम लोगों को डांटे कि ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, कान के लिए डिस्टर्ब करें, जो हम लोगों को करना होगा हम करेंगे, तुम लोगों का जाँच हो गया तुम लोग अपने अपने घर जाओ। किसने कहा? जी वहाँ एक सर थे, उनका नाम तो नहीं पता लेकिन वहाँ मतलब सिद्दीकी सर के पास रहते हैं, वो कोचिंग देते हैं बच्चों को, वही लेके गए थे हम लोगों को मेडिकल जांच के लिए, तो हम लोगों को डांटे, उसके बाद से कोई रसीद भी नहीं दिए और डांट के घर खड़े दिए कि मतलब जाओ तुम लोगों का जिसका होना होगा उसके पास कॉल जाएगी। क्या चाहते हो, तो क्या मांग है तुम्हारी? जी हमारी मांग है कि हमको हमारा मेडिकल रिपोर्ट केवल मिले, किस मतलब किस बेस पे हमको ओवरेज किए, रसीद मिले। जी रसीद मिले और मेडिकल रिपोर्ट मिल जाए बस, यही मांग है। जब इन आरोपों के संबंध में गोरखपुर न्यूज ने गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सफीक अहमद सिद्दीकी उर्फ समूह से पूछा तो उन्होंने कहा, सर गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं और आप पे सर कुछ आरोप गंभीर आरोप लगाए गए हैं कुछ खिलाड़ियों द्वारा और कुछ संस्था द्वारा, क्या उस पर सर सफल? जो आरोप लगाया गया है कि 700 रुपये लिया गया, ऐसा कोई धन नहीं लिया गया, 400 रुपये लोगों से लिया गया। कुछ विरोधी तत्व हैं जो कि खिलाड़ियों को भड़काते हैं, सड़क को उतरते हैं, यही कर रहे हैं। आप ये भी आरोप लगाया गया है कि सिलेक्शन के नाम पर भी पैसा वसूला जाता है, ट्रायल के नाम पे कोई पैसा नहीं वसूला जाता है, चयन समिति सिलेक्शन करती है, उसकी लिस्ट देती है और उन्हीं खिलाड़ियों को बुला लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो ट्रायल हुआ है आपके वहाँ, तो अथराइज व्यक्तियों ने ट्रायल लिया है उसका? हाँ अथराइज व्यक्तियों ने लिया, तीन तीन की चयन समिति थी उसने जाके ट्रायल लिया। क्रिकेट संघर्ष समिति के एक संयोजक राणा सुनील सिंह सर, इन्होंने भी आपके ऊपर सर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ट्रायल के नाम पे धन उगाही होती है और जीसीए में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है वो कहेंगे भ्रष्टाचार हो रहा है, हमसे धन लिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो धन लेकर सिलेक्शन होता है, ऐसा कहीं नहीं। और उसके बाद यूपीसीए की चयन समिति आती है वो करती है। सर जो भी मैच चल रहा है इसमें जीसीए जो करा रही है उसका सर अपडेट सर कैसे देते हैं आप? अपडेट मतलब जानकारी उसकी कैसे देते हैं? जानकारी फोन द्वारा सबको ले लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, जाते जाते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। गोरखपुर में मेट्रो मैन के दौरे से मेट्रो परियोजना को लगा पंख, भारत सरकार के मेट्रो परियोजना निर्देशक और केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त ई श्रीधरन ने दोनों रूटों के महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का लिया जायजा। कांग्रेस के जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। जल्द ही दौड़ेगी महानगर में मेट्रो, तेजी से चल रहा है मेट्रो निर्माण का कार्य। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की मंडल में गेहूं खरीद की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा के निर्विरोध चुने गए जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध कमेटी के सभापति भाजपा के महन सिंह, उप सभापति गौरी द्विवेदी और अन्य समिति के सदस्य। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस, मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक 100 रुपए प्रतिमाह मिलेगा वजीफा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, कुलपति को सौंपा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने गोरखपुर स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण, दिया निर्देश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित हुआ विविध प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर विविध प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों के छात्रों ने डीएम को प्रेषित किया ज्ञापन। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय न होने पर कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर आय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से दर्ज कराई शिकायत। और क्रिकेटर ने जीसीए पर लगाए मेडिकल टेस्ट में वसूली का आरोप, जीसीए के संयुक्त सचिव ने आरोपियों को किया खारिज। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।